तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत करते हैं एपिसोड नंबर 83 के साथ। आई होप आप वीडियो क्लास को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि किस तरीके से यूएन ने हाओ को अपने घर पर बुलाया हुआ होता है, जिसको देखकर हाओ कभी सरप्राइज होता है और कहने लगता है चाहे जितनी बार भी यूएन का घर देख लूँ लेकिन हमेशा मैं भौचक्का रह जाता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये यूएन होती है, वो उससे पूछती है आखिरकार तुम क्या खेलने लगते हो, मतलब खेलना चाहते हो। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूएन हाओ को एक स्विमिंग पूल के पास ले जाती है और हाँ इसको देखते हुए कहने लगता है वाह तुम तो काफ़ी तो औसम है, तुम्हारे घर में खुद का एक स्विमिंग पूल भी है। और मन में सोचते कहने लगता है ये बिल्कुल सही है, ये लोग विलास में रहते हैं तो ये नॉर्मल बात है कि उनके यहाँ उनके घर में उनके विलास में स्विमिंग पूल होना कोई बड़ी बात नहीं है। तभी यूँ है उससे कह लगती है मैं तो तुम्हें अपनी आर्मरी दिखाना चाहती थी, आर्मरी कलेक्शन जिसमें मेरे गन्स वगैरह रखे थे। भाई साहब देखो सो इसका कलेक्शन ही देखो। लेकिन जो आंट मेड थी उन्होंने मुझे मना कर दिया कि जो बॉयज होते हैं वो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं, और उन्होंने मुझे यहाँ पर आने के लिए रिकमेंड किया। जैसे ये सुनता है हाँ तो कभी तो सरप्राइज होता है, क्या लगता है क्या आर्मी, अरे आर्मी ये तो वही है ना जो लास्ट टाइम मुझे दिखाई थी, वह मॉडल आर्मी। तभी वो बात को पलटते हैं उससे क्या लगता है लेकिन मैं यहाँ पर अपना स्विम सूट तो लेकर ही नहीं आया तो मैं इस्तेमाल क्या करूँगा यहाँ पर। तभी यू है उससे कह लगती है तुम्हें ज़्यादा घबराने वाली जरूरत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बटलर अंकल है उन्होंने पहले तुम्हारे लिए एक स्विम सूट तैयार कर रखा है। तभी ये बात सुनने के बाद हाओ कति एक्सेप्ट हो जाता है और कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तो कैसा लगा कि हम दोनों आपस में कंपटीशन करें। और युवा इस बात को मान जाती है और कंपटीशन के लिए रेडी हो जाती है और कहने लगता है चलो देखते हैं यहाँ पर कौन वन वे स्टाइल में सबसे ज़्यादा फास्ट है और कौन सबसे पहले क्रॉस करता है। और हाओ भी युवा भी रेडी हो जाती है और बोलती है चलो कपड़े बदलने चलते हैं पहले। तभी हमें हाओ का सीन दिखाया जाता है जो कि मन में सोचते हो कहने लगता है मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं आया हूँ दूसरी दुनिया में और उस दुनिया में जो लड़के लोग होते हैं वो सिर्फ शॉर्ट्स में जाते हैं स्विमिंग करने के लिए। और हमें बताया जाता है कि उस दुनिया में अपनी ओरिजिनल दुनिया में शॉर्ट्स के अलावा और भी कुछ कपड़े नहीं पहनते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इस दुनिया में बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो किसी एग्जीबिशन से कम नहीं लगेगा। और जब भी मन में सोचे लगता है ख्याल की किस तरीके से अगर यूएन ने मुझे देख लिया तो वो क्या सोचेगी, था उसके ख्यालों में यूएन कह रही होती है मैंने इस बारे में उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम्हारे एक्शन इस तरीके के होते हैं जंगा। और भाई अपने असली दुनिया में तो प्रेजेंट में आता है, सपनों की दुनिया से बाहर आते हुए कह लगता है मुझे पता है इस दुनिया की जो स्विम सूट होगा वो थोड़ी डिफरेंट होगा। और तभी जैसे ही वो स्विम सूट देखता है तो सारे के सारे स्विम सूट तो लड़कियों के बने पड़े हुए होते हैं अपनी दुनिया के नॉलेज के हिसाब से। और वो कह लगता है भाई तेरी ये क्या है, क्या यहाँ पर कोई ऐसा स्विम सूट है जो मैं पहन सकता हूँ, तो अगर तुम लोग मुझे मार भी दो ना तो भी मैं इन सब कपड़ों को नहीं पहनने वाला। जी को देखो सही है ना अगर स्विम सूट है क्या, मैं इस बात को लेकर बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करना चाहता, ये मेरे को पहली बार महसूस हो रहा है कि मैं अपनी ओरिजिनल दुनिया में जाना चाहता हूँ इस वक्त। तभी इसकी नज़र कहीं और पड़ जाती है और वह देखता है कि एक लॉकर में कुछ कपड़ा टंगा हुआ है, देखकर उसे कह लगता है ये भी स्विम सूट जैसा ही लग रहा है और इसे देखकर ऐसा भी नहीं लगता है कि ये लड़कियों के लिए बना हुआ है। लेकिन जैसे ही उस कपड़े को उठाता है तो उसमें से एक ब्रा टपकती है। भाई साहब इसके अंदर छी, ये देखकर वो सरप्राइज तो होता है और देखता है ये क्या चीज़ है, इस कपड़ों में से क्या टपक रही है, और उसे उठा के चेक करने लगता है, टोटली कंफ्यूज होता है, कुछ समझ में नहीं आती और कह लगता है ये तो लड़कियों की अंडरवियर जैसी दिख रही है लेकिन समझ नहीं आता इसको पहनना क्या, इस्तेमाल क्या करना है, लेकिन इस कपड़ों में ये क्या कर रहा है, ऐसा सोच रहा है ये, और आखिरकार इस कपड़ों में से बाहर क्यों आया, टोटली सस्पिशियस है मेरे लिए तो। और खैर उसे समझ में आता नहीं है और उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगता है और वो उस ड्रेस सबको पहनकर आ जाता है अंदर का माल छोड़कर और कहने लगता है इसको पहनने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा टाइट महसूस हो रहा है मुझे। और वह यूए के सामने आ जाता है, यूए देख के उसे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है और यूए से कह लगती है अभी यूए हाउ से कह लगती है तुम देखो सही तुम स्विम सूट पर काफ़ी ज़्यादा औसम लग रहे हो। तभी हाउ भी उससे कह लगता है तुम भी स्विम सूट में काफ़ी ज़्यादा औसम लग रही हो। और तभी हमें यूएन का स्विम सूट दिखाया जाता है, कितनी ऑसम है यार, जरा देखो सही कितने भाई कितने लोग बावले हो गए होंगे देखने के बाद हमारे व्यूअर्स में से, जो भी है कमेंट करके बताना अगर ये बावलापन आपको भी चाहिए तो भाई सब्सक्राइब कर देना। और तभी हाँ कहने लगता है अब ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, हम अपना कंपटीशन अभी स्टार्ट करते हैं, चलो देखते हैं किसकी ज़्यादा सबसे ज़्यादा अच्छी स्विमिंग स्किल्स है यहाँ पर। और तभी कहने लगता है इस कंपटीशन का सिंपल रूल है जो कि दूसरे कोने पर जाएगा सबसे पहले वह जीत जाएगा इस कंपटीशन को, और जो भी हारेगा वो जीतने वाली कोई भी इच्छा पूरी करेगा। और वह दोनों कंपटीशन के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक रेफरी टाइप की लड़की आ जाती है, वो उनको कंपटीशन स्टार्ट करने के लिए रेडी करने लगती है और दोनों के दोनों अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं स्विमिंग करने के लिए। और जैसे ही वो स्टार्ट कर देती है वो दोनों के दोनों स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं, अपनी रेस स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हाओ को तो कोई दिक्कत नहीं आती है, वो फुल स्पीड में अपने कपड़ों से चला जाता है और उसे तो स्विमिंग पहले से आती थी, वो बिना किसी परेशानी की स्विमिंग करने लगता है और वो अपनी स्विमिंग पर ध्यान देता है और किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देता, बाहर में जाए दुनियादारी। तभी अचानक से जो ट्रेनर होती है वो चिल्लाते लगती है सरप्राइज के तौर पर, बहुत घबराने लगती है, चिल्लाते हुए लगती है नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ, और वो चिल्लाने लगती है मिस यू है। तभी ये बात हाउ सुन लेता है, ये सुनकर वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है। तभी वो ट्रेनर चिल्लाते हुए हाउ से कहने लगती है मिस यू है, पानी में डूब रही है मिस्टर हाउ,
जरा देखो सही, तभी हाउ जी देखकर कभी सरप्राइज होता है कि यू है होती है वो तो स्विमिंग पूल में डूब गई। भाई टेंडा नहीं आता क्या? तो फिर स्विमिंग पूल में कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट क्यों किया? ये देखकर तो हाव के तो होश उड़ जाते हैं। और इतनी सरप्राइज के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू नारा, साइनिंग आउट। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। बाय बाय।